वेलकम टू यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम शेर सिंह नाम के 12 साल के बच्चे की बहादुरी और साहस की कहानी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शेर सिंह ने अपने भाई को अपनी पीठ पर उठाकर आधी रात के समय जंगली रास्ते को पार करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। आइए शुरू करें पेज नंबर 40 पैराग्राफ नंबर 3। देयर आर नो मैन इन द विलेज, ही सेड, आई विल टेक हिम। गांव के सभी लोग उसके पिता के साथ शिकार पर गए हुए हैं। शेर सिंह अपनी माँ को कहता है कि गांव में कोई आदमी नहीं है, मैं उसे ले जाऊँगा। His mother must stay behind to mind the cattle and work on the land, without which they would all starve, and he and she both understood this without saying so. वे उसकी माँ दोनों बिना कहे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि उसकी माँ को पशुओं की देखभाल करने के लिए, ज़मीन का काम करने के लिए पीछे रहना पड़ना था, नहीं तो वे सभी भूखे मर जाते। शी टुक वन ऑफ हर टू साड़ीज एंड मेकिंग अ स्लिंग फॉर शेर सिंह, लिफ्टेड अप कवर एंड पुट हिम इनटू इट। उसने अपनी दो साड़ियों में से एक साड़ी ली, शेर सिंह के लिए एक स्लिंग मतलब गलपट्टी बना दी, लिफ्टेड अप कवर को उठाया और इसमें डाल दिया। शेर सिंह कुड फील इमीडिएटली द हीट ऑफ द बॉयज बॉडी बर्निंग थ्रू द कॉटन क्लॉथ ऑन हिज बैक। शेर सिंह इमीडिएटली मतलब जल्दी से लड़के के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता था जो सूती कपड़े में से उसकी गर्दन के ऊपर तपती हुई लग रही थी। ही फेल्ट द वेट टू एंड वॉन्डर्ड हाउ ही वॉज गोइंग टू मैनेज। उसे बार भी महसूस हुआ, वह हैरानी से सोच रहा था कि इसको कैसे संभालेगा। ही इज़ टू बिग फॉर यू, हिज मदर व्हिस्पर्ड इन डिस्पायर, यू विल नेवर गेट देयर। उसकी माँ निराशा में धीरे से बोली कि वह तुम्हारे लिए ज़्यादा ही बड़ा है, तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। बच्चों, शेर सिंह की माँ अच्छी तरह जानती थी कि एक 12 साल के बच्चे के लिए पीठ पर इतना बार उठाकर 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना पॉसिबल नहीं है, वो भी तब जब रास्ते में नदियों को पार करते हुए जाना हो। शेर सिंह सेड नथिंग, ही सेट ऑफ इन टू द जंगल इन द ऑरेंज ग्लो ऑफ इवनिंग। शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा, वे शाम की सतरंगी चमक में जंगल के अंदर की ओर चल दिया। कालाघाट वॉज 80 किलोमीटर्स अवे, बट शेर सिंह होप दैट इफ ही कुड गेट थ्रू द जंगल एंड क्रॉस द टू रिवर्स इन बिटवीन, ही माइट गेट अ लिफ्ट इन द बलक कार्ट और परहैप्स इवन अ ब्रोकन डाउन ट्रक फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी। कालाघाट वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था, परंतु शेर सिंह को उम्मीद थी कि अगर वे जंगल में से निकल गया और रास्ते में आने वाली दोनों नदियों को पार कर गया तो उसे अपनी यात्रा के अंतिम शोर पर कि अंतिम हिस्से पर किसी बैलगाड़ी या ट्रक की सवारी मिल ही जाएगी, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा। ही वॉज एलोन ऑन द ट्रैक दैट वाउंड इन टू द फॉरेस्ट इन टू नाइट। जो रास्ता घूमते हुए जंगल में जाता था, वे उस रास्ते पर अकेला था और रात का अंधेरा हो रहा था। नॉट क्वाइट एलोन थो, अराउंड हिम ले द फॉरेस्ट इन विच द स्ट्रगल ऑफ लाइफ कंटिन्यूड एज इट हैड डन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो अकेला था, लेकिन फिर भी वो अकेला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ वे जंगल था जिसमें जीवन का संघर्ष वैसे ही जारी था जैसे कि संसार में शुरू से चलता आ रहा था। द डियर वर नाउ सो पोस्ट एंड डेसिमेटेड दैट द बीस ऑफ प्रे हैड टू किल डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड, समटाइम्स इवन मैन। पोस्ट चोरी से शिकार करना,
डेसिमेटेड होता है नष्ट करना। बीट्स ऑफ प्रे होता है शिकार किए जाने वाले जानवर। कि हिरनों का अब चोरी चोरी इतना शिकार होने लगा था और उनकी गिनती इतनी कम हो गई थी कि शिकारी जानवरों को अब अपने भोजन के लिए घरेलू जानवरों को मारना पड़ रहा था, कई बार तो इंसानों को भी। कि मीन्स कि जिस जंगल से शेर सिंह जा रहा था वहाँ जंगली जानवरों की गिनती काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि अपनी भूख के लिए इंसानों को भी खा जाते थे। नाइट फेल, रात हो गई। द स्काई ब्लेज्ड विद स्टार्स, आकाश तारों से चमक उठा। प्रेजेंटली द मून रोज, थोड़े ही समय में चांद भी आ गया। द साइट ऑफ बियर ट्रैक्स इन द डस्ट, द स्क्वायर फ्रंट पाइन लॉन्ग बैक वन विद द शैकी क्लॉज मेड हिम ग्लांस राउंड अनइजीली। धूल में रीछ के पैरों के निशान, आगे वाले स्क्वायर शेप के पंजे और पीछे वाले लंबे लंबे खुरदरे पंजों को देखकर शेर सिंह बेचैनी से चारों ओर अपनी नज़रें घुमाने लगा। ही हैड वन सीन अ मैन हु हैड बीन मॉल्ड बाय अ बियर, ऑल हिज फेस टॉर्न अवे। एक बार शेर सिंह ने एक आदमी को देखा था जिसे एक रीछ ने बुरी तरह से मोल्ड घायल कर दिया था और उसके पूरे चेहरे पर काट दिया था, चीरा आ चुका था। ही क्विकेंड हिज स्टेप्स, शेर सिंह अपने कदम तेज किए। सून ऑन अ क्लिफ अबव अ रिवर बेड, शेर सिंह न्यू ही कुड गो नो फर्दर विदाउट रेस्ट। क्लिफ खड़ी ढलान वाली चट्टान होती है। जल्दी ही नदी तल के ऊपर की ओर खड़ी ढलान वाली चट्टान पर पहुंचने के बाद शेर सिंह जान गया कि आराम किए बिना वह और आगे नहीं जा सकता था, कि शेर सिंह बहुत ज़्यादा थक गया था। कवर डाउन जेंटली, उसने कवर को धीरे से नीचे डाल दिया। सडनली ऑल शेर सिंह मसल्स श्रिंकिंग बैक टू देयर नेचुरल पोजीशंस थ्रिल्ड विद पियर्सिंग पेन। अचानक ही शेर सिंह के मसल्स श्रिंक होकर सिकुड़कर अपनी पहली वाली स्थिति में वापस आ गए और बड़ी दर्द करते हुए फड़कने लगे। ही ले अगेंस्ट अ ट्री विद हिज आईज शट रिकवरिंग, वे अपनी आंखें बंद कर पेड़ के सहारे से लेट गया ताकि अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ले, अपनी एनर्जी दोबारा से गेन कर ले। इट वॉज देन ही हर्ड द जोस एज अ क्वील ऑफ एलिफेंट्स, तभी उसे हाथियों की चीखों और एक दूसरे को धक्के लगाने की आवाज़ सुनाई दी। बिलो हिम ऑन ईस्ट साइड ऑफ द शैलो रिवर बेड द एलिफेंट्स ट्रेवल्ड, उसके नीचे की तरफ शैलो मतलब कम गहराई वाले नदी तल की ओर हाथी जा रहे थे। ही कुड सी द काउज एंड द बेबीज एंड वन ग्रेट ओल्ड टस्क, ही वॉज प्लेइंग हिज ट्रंक टू एंड फ्रो टू लर्न वट एवर द ब्रीज कुड टेल हिम, एंड सडनली ही हेजिटेटेड, द ट्रंक केम राउंड टूवर्ड्स द बॉयज। उसे हथनियाँ, उनके बच्चे, एक बहुत बूढ़ा हाथी दिखाई दिया। वे अपनी सूंड को इधर उधर घुमा रहा था और अचानक वे रुक गया। उसकी सूंड घूमकर लड़कों की ओर आ गई। शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट, शेर सिंह डर के कारण ठंडा पड़ गया। चिल्ड होता है ठंडा पड़ना। विद कवर टू कैरी ही कुड नीदर क्लाइंब नॉर रन, क्योंकि उसे कवर को भी उठाना था इसलिए वह ना तो पेड़ पर चढ़ सकता था और ना ही भाग सकता था। प्रेयर आफ्टर प्रेयर फ्लेड अप फ्रॉम हिज फ्राइटेंड स्पिरिट, डर के कारण उसके अंदर से एक के बाद एक प्रार्थनाएं निकलने लगी। द टस्क स्नोटेड ट्रम्पेटेड शुक हिज हेड, हाथी ने आवाज़ करते हुए स्नोटेड फुंकारा और ट्रम्पेटेड चिंगाड़ा, अपना सिर हिलाया। सडनली ही हरीड ऑन एंगरली अप द रिवर बेड एंड ऑल द हर्ड विद हिम, अचानक वे गुस्से से नदी तल के ऊपर को भागा और उसके साथ साथ पूरा झुंड भी भागने लगा। दे डिसअपियर्ड, वे आंखों से ओझल हो गए। शेर सिंह ब्रीथेड अनदर प्रेयर ऑफ थैंक्स दिस टाइम एंड मेड रेडी टू मूव विद कवर ऑन हिज बैक वंस अगेन। शेर सिंह ने परमात्मा के धन्यवाद के लिए प्रार्थना की, कवर को अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ने को तैयार हो गया। ही स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रिवर बेड, वह नीचे नदी तल की ओर चल दिया। थो द वॉटर वॉज ओनली वेस्ट डीप
ही हैड टू गो स्लोली बिकॉज ऑफ स्लाइम ऑन द स्टोन्स। चाहे पानी कमर तक ही गहरा था, फिर भी उसे धीरे धीरे नदी को पार करना पड़ा क्योंकि पत्थरों के ऊपर कीचड़ जमा हुआ था। स्लाइम होता है कीचड़, फिसलने का डर था। थैंक्स गुडनेस देयर वाज अ ब्रिज ऑन द सेकेंड रिवर, ही थॉट। उसने सोचा कि परमात्मा का शुक्र है कि दूसरी नदी पर पुल बना हुआ था। दैट ब्रिज वाज इम्परमानेंट थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल्स स्टोन्स एंड थिक ग्रास, बट इट वाज एट लीस्ट अ ब्रिज। कि वे पुल बांस के खम्भों, पत्थरों और घनी घास से बना हुआ था जो कि इम्परमानेंट अस्थाई था, पक्का नहीं था, परंतु कम से कम एक पुल तो था। यही एक बहुत बड़ा आसरा था। बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आपके मन में भी शेर सिंह की कहानी को पढ़ते पढ़ते बहादुरी का, साहस की कुछ भावनाएं ज़रूर जागी होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट होमवर्क आ जाता है, वर्कशीट है, जिसमें पहले नंबर पर आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं। आपने कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं अपनी कॉपीज पर लिखने हैं। सेकंड नंबर पर राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदी और पंजाबी। नीचे दिए गए शब्दों के आपने मीनिंग हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। नंबर 1 पोच्ड, नंबर 2 क्लिफ, 3 अनइजीली, 4th है इम्प्रूवमेंट, 5th सबमर्ज्ड। 3rd नंबर पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं इन 2 or 3 वर्ड्स, जिनके आंसर आपने 2-3 शब्दों में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार वाज द हॉस्पिटल वेयर कवर वाज टू बी टेकन। कि जिस अस्पताल में कवर को ले जाया जाना था वो अस्पताल कितना दूर था। सेकंड क्वेश्चन इज, हु वाज टू टेक कवर टू द हॉस्पिटल। कवर को अस्पताल कौन ले जा रहा था। 4th नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फर्स्ट ब्लैंक है, कवर वॉज शेर सिंह्स। कवर शेर सिंह का छोटा भाई था। छोटे भाई को आपने इंग्लिश में फिल करना है। सेकंड है, शेर सिंह कैरीड कवर ऑन हिज बैक टू द डैश। शेर सिंह अपने भाई कवर को अपनी पीठ पर उठाकर कहाँ ले गया था, अस्पताल, उसको आपने इंग्लिश में लिखना है। 5th नंबर पर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। शेर सिंह कैरिड हिज यंगर ब्रदर ऑल द वे टू द हॉस्पिटल। कि शेर सिंह सारे रास्ते अपने भाई को अस्पताल लेकर गया। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सेकंड इज, द हॉस्पिटल वॉज इन द नियरेस्ट टाउन। अस्पताल पास ही के नगर में था। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट 6th नंबर पर बच्चों रीट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आ जाते हैं हिंदी और पंजाबी में। फर्स्ट आ जाता है, शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट। सेकंड है, द स्काई ब्लेज्ड विद स्टार्स। और 3rd है, देयर वाज नो मैन इन द विलेज। थैंक यू।